हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीडीट। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रावधिक कला क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में यही आता है कि प्रावधिक कला क्या है और ये क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रावधिक कला क्या है और क्यों किया जाता है। प्रावधिक कला को अंग्रेजी में हम टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं तथा प्रावधिक कला हम मात्र यूपी बोर्ड के द्वारा ही कर सकते हैं और अन्य बोर्ड के द्वारा प्रावधिक कला का कोर्स नहीं किया जा सकता। प्रावधिक कला जो होता है प्राइवेट फॉर्म यूपी बोर्ड द्वारा हर वर्ष निकाले जाते हैं तथा उन्हीं में एक सब्जेक्ट होता है प्रावधिक कला, जो आप प्राइवेट रूप से करते हैं। और ये प्रावधिक कला आप कक्षा बारह में जो प्रावधिक कला कोर्स होता है उसमें आपको एडमिशन लेना होता है। प्रावधिक कला का कोर्स जो है, जब आप इंटर पास कर जाते हैं, आपने इंटर जो है पीसीएम अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर मैथ की जगह बायोलॉजी कोई कोई ले लेता है, तो उसके साथ जब आप पास करते हैं इंटर, तो उसके बाद आप प्रावधिक कला का कोर्स कर सकते हैं। या आपने इंटर आप पास कर चुके हैं, इंटर पास करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो ग्रेजुएशन करते टाइम भी आप ये प्रावधिक कला का कोर्स फॉर्म आप भर सकते हैं और इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ आप सोचेंगे कि प्रावधिक कला और ग्रेजुएशन दोनों एक साथ कैसे करेंगे, तो इसे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन जो होता है ये रेगुलर कोर्स होता है और प्रावधिक कला एक प्राइवेट कोर्स होता है। तो रेगुलर कोर्स के साथ एक प्राइवेट कोर्स हम कर सकते हैं, हमें भविष्य में कोई सी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रावधिक कला की जो मान्यता है कि भविष्य में इसकी उपयोगिता क्या है, तो प्रावधिक कला की उपयोगिता जब भी टीजीटी की आपकी वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है आर्ट का। टीजीटी में जो आर्ट का सब्जेक्ट होता है तो आप उसके लिए मान्य हो जाते हैं। प्रावधिक कला करने के बाद आप टीजीटी आर्ट की जब वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए न ही आपको बीएड की आवश्यकता होती है और न ही किसी अन्य कोर्स की, मात्र टीजीटी आर्ट में अप्लाई करने के लिए मात्र आपके पास ये जो प्रावधिक कला का कोर्स है ये होना चाहिए, प्लस इसके बाद आपका ग्रेजुएशन क्या है कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और प्रावधिक कला का ये सर्टिफिकेट होगा तो आप ये टीजीटी आर्ट की जब वैकेंसी आएंगे तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी जो टीजीटी आर्ट में अप्लाई करने की जो एज होती है वो एज आपकी 21 साल के आय पूर्ण हो चुकी हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने चर्चा किया कि प्रावधिक कला क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।